कंगना रनौत बहुत जोरों से जुटी हुई हैं सुशांत के केस के खिलाफ सबूत जोड़ने में। वहीं कंगना रनौत हर उस शख्स से बात कर रही हैं जो सुशांत को पर्सनली जानते थे। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब तक कंगना रनौत के एक के बाद एक बयान सामने आए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने दावा किया कि सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से उन्होंने कुछ सुशांत को लेकर बातचीत की। इस दौरान अंकिता ने उन्हें बताया कि सुशांत के साथ बॉलीवुड का बर्ताव अच्छा नहीं था। एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने कई बड़े खुलासे किए। इसी दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि अंकिता से उन्होंने फोन पर जानकारी ली। कंगना की कोस्टार रह चुकी अंकिता लोखंडे ने बताया कि शुरुआत से ही सुशांत के साथ बुरा व्यवहार हो रहा था, जिसे वह सहन नहीं कर पाए। कंगना ने कहा, जब मैंने अंकिता से बात की तो उन्होंने बताया कि शुरू से ही सुशांत का अपमान किया गया। सुशांत टीवी एक्स से सुपरस्टार बने, उन्होंने तमाम ऑडिशन से लेकर रिजेक्शन झेले। सुशांत के काम को देखने के बाद हर फिल्मकार चाहता था कि बिहार का लड़का उनके साथ काम करे। अंकिता ने मुझे एक चीज और बताई, सुशांत मोटी चमड़ी वाला नहीं था। सुशांत अपनी पहचान और लोग क्या उनके प्रति रवैया रखते हैं उसे लेकर संवेदनशील थे। अगर कोई भी बुरा आर्टिकल उनके खिलाफ छपता था तो वो बहुत सोचने लगते थे। कंगना ने इस बातचीत के दौरान कहा कि अंकिता ने उन्हें बताया था कि सुशांत गलत पीआर, गैंगबाजी और अपमान से परेशान हुए थे, वे इसे झेल नहीं पाए। एक सवाल पर कंगना ने कहा, अंकिता ने मुझे एक बार कहा था कि मैं एकदम सुशांत की तरह हूँ। सुशांत एकदम अलग हैं। वो किसी भी गॉसिप्स पर बात नहीं करते थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, अंकिता ने मुझे कहा। कंगना, आप में और सुशांत में बस अंतर ये था कि आपने स्थितियों पर काबू पा लिया और सुशांत नहीं पा पाए, उनको दबा दिया गया, जिसकी वजह से सुशांत ने ये इतना बड़ा कदम उठाया। ऐसी बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव, और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर।